आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप अपने गूगल अकाउंट का पासवर्ड कैसे पता कर सकते हैं। गूगल अकाउंट बेसिकली आपकी जीमेल में भी लॉगिन होता है, क्रोम में भी लॉगिन होता है, गूगल पे भी, यूट्यूब पे भी, और आप इससे गूगल प्ले स्टोर का भी यूज करते हैं, गूगल फोटोज़, गूगल डॉक्यूमेंट सबका यूज करते हैं। इसको हम गूगल अकाउंट बोलते हैं। और यहाँ पे आप जीमेल में जाएंगे तो इसको हम यहाँ पे जीमेल अकाउंट भी बोलते हैं। आप प्रोफाइल पे क्लिक करेंगे, जीमेल अकाउंट, ईमेल अकाउंट, इसके नाम अलग अलग हैं, ये चीज़ एक ही है, ये ईमेल आईडी है, यही आपको गूगल के ऐप में मिलेगी, उसको हम गूगल अकाउंट बोल देंगे। प्ले स्टोर के ऐप में मिलेगी, उसको हम प्ले स्टोर की आईडी बोल देंगे, लेकिन ये चीज़ एक ही होती है। तो इसका आप पासवर्ड भूल गए हैं तो आप कहीं से भी पता कर सकते हैं। सिंपल सा है, आप गूगल पे जा सकते हैं, प्ले स्टोर पे जा सकते हैं, या फिर आप यहाँ पे डायरेक्टली जीमेल के ऐप में आके और यहाँ पे आ जाएंगे तब भी आप पता कर पाएंगे। सिंपल सी प्रोसेस है पता करने की, मैं आपको जीमेल से पता करके बताऊंगा पासवर्ड कैसे पता करते हैं। तो सबसे पहले आप यहाँ पे जिस ईमेल आईडी का पासवर्ड पता करना चाहते हैं, यानी कि जिस ईमेल अकाउंट का, गूगल अकाउंट का पासवर्ड पता करना चाहते हैं, आप सिंपल सा उस पर क्लिक कर देंगे। यहाँ पे आपके एक से ज़्यादा गूगल अकाउंट होंगे, यदि एक गूगल अकाउंट होगा तो अच्छी बात है, एक से ज़्यादा हो तो आप यहाँ पे इस टाइप से सिलेक्ट कर लें। अब आप जैसे ही सिलेक्ट करेंगे उसके बाद में दोबारा आपको प्रोफाइल आइकन पे क्लिक करना है, और यहाँ पे आपको ऊपर ही आपका गूगल अकाउंट दिखेगा और उसके नीचे आपको मैनेज योर गूगल अकाउंट लिखा दिखेगा, आपको सिंपल सा इस पर क्लिक कर देना है। अब यहाँ पे आपको आपका गूगल अकाउंट दिखेगा, इसके नीचे आपको कुछ ऑप्शंस दिखेंगे जैसे कि होम, पर्सनल इन्फो, डाटा एंड प्राइवेसी। अब आप इससे जैसे ही साइड में थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे आपको यहाँ पे एक सिक्योरिटी का ऑप्शन दिखेगा, आपको सिंपल सा सिक्योरिटी पे क्लिक करना है और आपको नीचे स्क्रॉल करना है। आपको यहाँ पे अब एक पासवर्ड दिखेगा, पासवर्ड का लिखा आपको यहाँ पे दिखेगा, तो आपको पासवर्ड लिखा दिखे आपको वहीं पर क्लिक करना है। और जैसे ही आप क्लिक करेंगे और फिर आपके सामने इस टाइप से आ जाएगा, यहाँ पे हो सकता है ये आपसे आपका मोबाइल का पासवर्ड पूछे या मोबाइल का आपको फिंगरप्रिंट डालने को कहे, तो आप वो डाल दें। उसके बाद में आपके सामने ऐसा इंटरफेस आएगा। अब यहाँ पे बेसिकली हम क्या क्या रहे हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। एक बार यदि आप अपने गूगल अकाउंट का पासवर्ड भूल जाते हैं तो उसके बाद में आपका कोई ऐसा ऑप्शन नहीं होता है कहीं पर मोबाइल में कि आप देख सकें कि मेरा ये पासवर्ड था और आप देखकर पता कर लें। सिंपल सा आप भूल जाते हैं, उसके बाद में आपके पास एक ऑप्शन होता है पासवर्ड फॉरगॉट करने का, यानी कि पासवर्ड चेंज करने का। तो यहाँ पे वही कर रहे हैं हम अपना एक नया पासवर्ड बना रहे हैं, और जो नया पासवर्ड बनाएंगे वही फिर हमारी गूगल अकाउंट का, हमारी ईमेल आईडी का पासवर्ड हो जाएगा। उसी पासवर्ड से हम कभी भी कहीं भी लॉगिन कर सकते हैं। तो यहाँ पे पासवर्ड दूसरा बनाने के लिए यहाँ पे फॉरगॉट पासवर्ड पे क्लिक करेंगे। सिंपल सा अभी यहाँ पे आपको कंटिन्यू पे क्लिक करना है, और कंटिन्यू पे जैसे ही क्लिक करेंगे अब हमसे ये फिंगरप्रिंट डालने को कहेगा, तो हम यहाँ पे अपना फिंगरप्रिंट डाल देते हैं, या फिर आपसे ये यहाँ पे आप यदि पैटर्न वगैरह का यूज करते हैं वो डालने को कहे तो आप वो डाल दें। उसके बाद में डायरेक्टली आपके सामने एक न्यू पासवर्ड बनाने के लिए आ जाएगा। अब हमारे केस में तो न्यू पासवर्ड बनाने के लिए डायरेक्टली आ गया है, यदि आपके सामने नहीं आता है तो हो सकता है ये आपसे आपके मोबाइल नंबर पे एक ओटीपी सेंड करे और वो ओटीपी डालने को कहे तो आप वो ओटीपी डाल दें, यानी कि कोड डाल दें, या फिर हो सकता है ये आपसे यहाँ पे और भी कुछ वेरिफिकेशन के लिए पूछे तो वो चीज़ आपको डालनी पड़ेगी। इसके बाद में आप यहाँ पे पासवर्ड बना लें, पासवर्ड आप 8 कैरेक्टर से ऊपर का बनाएं, यहाँ पे ऊपर आप पासवर्ड डाल दें, वही पासवर्ड कंफर्म करने के लिए नीचे डाल दें और चेंज पासवर्ड पे क्लिक कर दें आप। अभी यहाँ पे आपको एक बार और चेंज पासवर्ड पे क्लिक करना है। अभी यहाँ पे जैसे कि हमने एक पासवर्ड डाला, अब यहाँ पे हमारे सामने ये रेड आ गया है, इसमें कुछ लिखा हुआ है, प्लीज चूज ए स्ट्रॉन्गर पासवर्ड, ट्राई ए मिक्स ऑफ लेटर नंबर्स एंड सिम्बॉल्स। यहाँ पे ये हमसे कह रहा है कि आप जो पासवर्ड बना रहे हैं वो ओनली आप नंबर्स का ना बनाएं या ओनली आप लेटर्स का ना बनाएं, आपको यहाँ पे इसमें कुछ लेटर्स का यूज करना है जैसे कि ABCD, कुछ नंबर्स का जैसे कि 1 2 3 4, और एक आध दो आपको स्पेशल कैरेक्टर डालने हैं जैसे कि @#, वगैरह, इनका मिक्स से आप पासवर्ड बनाएं तब बनेगा। तो यहाँ पे हम दोनों जगह अभी एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड डालते हैं और चेंज पासवर्ड पे क्लिक करके देखते हैं, और फिर आपके सामने इस टाइप से लिखा आ जाएगा पासवर्ड चेंज सक्सेसफुली, हमारा पासवर्ड यहाँ पे चेंज हो चुका है। और अब हमने जो नया पासवर्ड बनाया है अपने गूगल अकाउंट का, अब ये न्यू पासवर्ड ही काम में आएगा। अब आगे से हम कभी भी कहीं भी लॉगिन करना चाहते हैं तो इसी पासवर्ड के साथ लॉगिन कर सकते हैं। जो हमारा पुराना पासवर्ड था उसको हम भूल चुके थे, उससे अब हमें कोई लेना देना नहीं है। तो इस टाइप से आप अपने गूगल अकाउंट का पासवर्ड चेंज कर सकते हैं, पता कर सकते हैं। आई होप इस वीडियो से हेल्प हुई होगी, हेल्प हुई तो लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।